नमस्ते, मैं राम चौहान ऑटोमेक इनोवेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। काफ़ी तकलीफ में आज हम सब लोग हैं। पॉल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन में सबसे अगर अहमियत रखता है, सबसे अगर ज़्यादा पॉल्यूशन कोई करता है, तो आजकल हम जो ड्राइव करते हैं गाड़ियाँ, उससे बहुत बड़ा पॉल्यूशन होता है। तो पिछले 2 साल से इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, पॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, गाड़ियों के ऊपर काम कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि कोई चीज़ हम अगर ऐसी बनाए हम कि जिससे लोगों का काफ़ी अच्छा फायदा हो, पॉल्यूशन कम हो, उनके गाड़ियों का एवरेज बढ़े, तो आपके लिए ये चीज़ हमने इन्वेंट की है। ये इन्वेंशन ऐसा है कि जिसका पेटेंट के लिए भी हमने अप्लाई किया है। दुनिया में पहली बार एक ऐसी चीज़ हमने बनाई है कि जो गाड़ी में एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस कहाँ पे होता है? तो जो भी गाड़ी में हीट क्रिएट होता है, जो गर्म पानी होता है, वो गर्म पानी को हम फोर्सफुली रेडिएटर के थ्रू ठंडा करते हैं, यानी उस एनर्जी को हम एयर में छोड़ देते हैं। तो उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके हमने ये प्रोडक्ट को बनाया है। ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें जो एनर्जी का बेसिक लॉ है, जैसे एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ना एनर्जी को हम बना सकते हैं ना उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी जो गर्म पानी का जो हीट है, वो जो एनर्जी है, ये यहाँ से फ्लो होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पाइप है, यहाँ से जो गर्म पानी इंजन का निकलेगा, यहाँ से ट्रैवल करेगा और इस तरफ से निकलेगा और रेडिएटर को जाएगा। जब गर्म पानी इससे ट्रैवल होगा, तो गर्म पानी का जो हीट है, गर्म पानी यानी क्या है, वो एनर्जी है, वो एनर्जी इसके अंदर का जो फॉर्मूला है वो एब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी को कन्वर्ट करेगा एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स में। जैसे हम गाड़ी चालू करेंगे, तो गाड़ी में गर्म पानी आना चालू हो जाता है, इंजन हीट होना चालू हो जाता है, तो वो एनर्जी हमने इसमें इसमें इस्तेमाल की है। जब भी गाड़ी चालू होता है, तो अपने आप फिल्टर से हवा इंजन में जाना चालू होता है। तो ये जो पाइप है आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से हवा अंदर जाएगा और यहाँ से एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स फिल्टर जो है, वो फिल्टर यानी जो गाड़ी है, फिल्टर के बाद जो मैनिफोल्ड में हवा जाती है वो अपने आप खींचना चालू करेंगे। तो यहाँ से एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इंजन में जाना चालू हो गए। जो भी हवा ऑलरेडी इंजन में जा रही है, पेट्रोल डीजल के साथ जलने में उसकी सहायता कर रही है, उसको हम इससे चार्ज करके भेज रहे हैं। एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स उसमें मिक्स होने से जो भी पेट्रोल डीजल है वो पूरी तरह से जलने में उससे सहायता करेगा। हाइड्रोजन या कार्बन, जो भी चेन है पेट्रोल या डीजल का, यानी पेट्रोल डीजल बोले तो है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन का चेन होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन उसमें दोनों उसमें रहते हैं, तो उसका चेन ब्रेक करने का काम अपना डिवाइस करेगा। तो अपने आप पूरी तरह से हाइड्रोजन कार्बन यानी पेट्रोल डीजल पूरी तरह से जलेगा। और आपको उससे फायदे क्या होंगे? सबसे पहला फायदा, जो भी अनबर्न फ्यूल है, यानी जो ना जला हुआ पेट्रोल डीजल था जो हवा में जा रहा था, तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। फ्यूल पूरी तरह से जलने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके गाड़ी का, आपको चलाते वक्त पिकअप बढ़ गया है, पावर बढ़ गया है, गाड़ी का स्मूथनेस आ जाएगा, गाड़ी का इंजन जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी हर गाड़ी को ये अपना डिवाइस काम करेगा। ये डिवाइस बिठाने से आपके गाड़ी का इंजन का लाइफ भी बढ़ेगा, क्योंकि जो भी फ्यूल जलता नहीं था उसका कार्बन आपके पिस्टन पे जमा होता था, वही कार्बन ऑयल में जाता था और ऑयल आपका ब्लैक हो जाता था। ये डिवाइस बिठाने से पूरी तरह से कार्बन जलने से पिस्टन के ऊपर कार्बन भी ज़्यादा जमा नहीं होगा, जो भी आपका ऑयल है वो ऑयल का उसका लाइफ भी अच्छा होगा, आपके इंजन का लाइफ भी अच्छा होगा। और ये डिवाइस बिठाने के लिए आपको कोई भी मेजर चेंज नहीं करना है इंजन में, ना गियर बॉक्स में चेंज करना है, ना कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करना है, ना आपका जो भी मैकेनिकल मूवमेंट है गाड़ी का उसमें चेंज करना है। वेरी सिंपल है, गर्म पानी का बहाव सिर्फ अपने ये डिवाइस से जाएगा और उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके हमने इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स बनाया है, जो एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स अपने आप गाड़ी चालू होने के बाद फिल्टर के साथ यानी फिल्टर से जो हवा आता है उसमें मिक्स होके इंजन तक पहुंचेगा और आपके गाड़ी का माइलेज बढ़ा के देगा, गाड़ी का पावर बढ़ा के देगा, पिकअप बढ़ा के देगा और आप काफ़ी अच्छी तरह से गाड़ी चलाना एंजॉय करेंगे। थैंक यू।